वेल, रेंज पर तो आपने नजर डाल ली, अब बताते हैं आपको क्या कुछ खास है इस रेंज में और कैसे ये आपकी पर्सनालिटी को करेंगे एनहेंस। वेलकम टू लाइफस्टाइल। चलिए आज पता लगाते हैं कि भाई शूज की क्या कुछ रेंज है मार्केट में, और खासकर जब विंटर्स आते हैं तो शूज पे बहुत ज्यादा फोकस होता है लोगों का, क्योंकि कपड़ों के लिए तो लेयरिंग हो जाती है, एक्सेसरीज की बात की जाए तो बैग और बूट्स या फुटवेयर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, हाईलाइट होते हैं। तो चलिए मार्केट में पता लगाते हैं कि किस तरह के बूट्स और फुटवेयर ट्रेंड में है। अगर हम बात करें लेडीज की, क्या कुछ है हमारे पास? बहुत कुछ है रेंज में, अच्छे 200 250 300 वाले मतलब बूट्स है। सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है? बेलियां हैं, लॉन्ग शू वगैरह हैं, बेली और बूट्स वगैरह चल रहे हैं। बूट्स और बेली, हाँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कलर कॉम्बिनेशन की, तो क्या कुछ सबसे ज्यादा बिक रहा है आपके पास से? हाँ, बिक रहा है ना, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ये चल रहा है, ये ज्यादा चल रहा हाँ। है। तो भाई जयपुर का रुझान, लड़कियों का रुझान ब्लैक और ब्राउन में है। अगर मैं कलरफुल शूज और बेलीज देखूं, बैलरीनाज देखूं, वो भी काफी कुछ नजर आ रहा है हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि इनके फैब्रिक की या फिर डिजाइन की, तो क्या कुछ वैरायटी है हमारे पास? बहुत सी कुछ है इसमें वेराइटियों में, लॉन्ग में है, जैसे स्वेड में है, होमिंग में है, अलग अलग है इसमें। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कुछ फैब्रिक है? जैसे मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए वेलवेट टच नजर आ रहा है, लेदर टच नजर आ रहा है, एक्सेसरीज। तो लड़कियाँ क्या ज्यादा पसंद करती है, एक्सेसरीज या सिंपल? ये लेदर में, ये स्वेड में पसंद कर रही है ज्यादा। स्वेड में ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। प्राइस रेंज मिनिमम कहाँ से शुरू हो गया, मैक्सिमम? 400 की है, 450 है, 300 है, अलग अलग रेंज है। अच्छा, बूट्स में कहाँ तक है मैक्सिमम? मैक्सिमम 500 रुपए की है बस। हाँ, ये बूट सिर्फ 500 रुपए के ही है, क्या बात है। जरूरी नहीं है कि आप भारी भरकम जेब ढीली कीजिए, आपके पास मार्केट में बूट्स की बहुत अच्छी रेंज मौजूद है। जैसा मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हर कलर मिल रहे हैं, हर वैरायटी है। जैसे नी लेंथ है, एंकल लेंथ है, इसके अलावा मिड लेंथ है। अगर मैं हील्स की बात करूँ तो ब्लॉक हील्स का जो पैटर्न है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली मुझे नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक हील में और फ्लैट बूट्स का अच्छा खासा चलन मेरे सामने नजर आ रहा है। जैसे देखिए, ये एकदम पूरी तरह से फ्लैट बूट है, इसके अलावा हील्स के साथ अधिकतर ब्लॉक हील्स प्ले किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह की पेंसिल हील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो हील्स हैं, मुझे यहाँ पे अभी कोई भी पेंसिल हील नहीं नजर आ रही, हर जगह मुझे ब्लॉक हील्स या फिर फ्लैट बूट नजर आ रहा है। शूज की, बेलीज की बात की जाए तो हर जगह कलरफुल चीजों को प्ले किया गया है, और अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं नेट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इंटरनेशनल मार्केट से इंस्पायर्ड है ये एग्जीबिशन, जहाँ पे कहीं ना कहीं पता चलता है इंटरनेशनल मार्केट में ये ट्रेंड रहे हैं या रहे थे, जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं या ऑल मल्टी वे पर्पज की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बूट को सिर्फ एक बार पहना जाता है, हर साल फैशन आता है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, बट बूट हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। तो आप भी अगर शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं और किस तरह के बूट लिए जाएं, तो कुछ हद तक ये फैशन ट्रेंड आप फॉलो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नितिन डेविड के साथ मैं हूं स्नेहा, जी मीडिया जयपुर। अगर आपको बूट्स कैरी करना ज्यादा बोर लग रहा है, तो आपके पास फुटवेयर में और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप पार्टी या फिर डेलिकेट फुटवेयर को प्रेफर करती हैं, तो आपके लिए हमारी अगली रिपोर्ट। आपके लुक में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फुटवेयर। अच्छे आउटफिट के साथ अगर आपका फुटवेयर कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं लगेगा, तो आपका पूरा लुक स्पॉइल हो जाएगा।
ऐसे में जरूरी है आप अपने फुटवेयर को बहुत ध्यान से और सोच समझकर खरीदें। अब जरा नजर डालिए इस स्पोर्टी और स्टाइलिश रेंज पर। पेपी कलर से सजे ये फुटवेयर कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वो इन्हें पिक करके एक से ज्यादा ओकेजन पर फ्लॉन्ट कर सकती हैं। पीटी शू से लेकर पार्टी शू तक ये कई तरीके से यूज किए जा सकते हैं। इन फुटवेयर्स की खास बात ये है कि ये स्टाइलिश और ट्रेंडी होने के साथ साथ बेहद कंफर्टेबल भी हैं। यानी आपको बेस्ट लुकिंग फुटवेयर के चक्कर में कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बात अगर कलर कॉम्बिनेशन की करें तो इस रेंज में काफी कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जो इसे और भी यूनिक बना रहा है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स और कुछ नहीं है, जो इंक्स आती हैं पर्टिकुलरली ये इंपोर्टेड इंक्स हैं जो चाइना से बेसिकली इंपोर्ट होती हैं, और इन्हें परफोरेशन डालने में जो शूज में डालते हैं अपन उसमें बहुत ज़्यादा हीट लगती है जिसकी वजह से ये कलर आता है। आप देखेंगे इसमें जैसे ये जो शाइन आ रही है इसके अंदर ये इसी बेसिक उससे आती है, ये लोग बार इसको पसंद करते हैं। वाइब्रेंट कलर्स, स्टाइलिश लुक और बेहद कंफर्टेबल। इन फुटवेयर्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसके लिए आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको न सिर्फ रीजनेबल रेंज में मिलेंगे बल्कि साथ ही आपको इसकी गारंटी भी मिलेगी। वी स्टार्ट फ्रॉम हवाई, नॉर्मल जो हवाई ऑर्थोडॉक्स हवाई आती है वो कुछ 40-50 रुपीज से चालू होती है जो हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। एमआरपी ऑन दिस प्रोडक्ट विच इज रिटन इज 352। सो मैक्सिमम रिटेल प्राइस मींस अ कंज्यूमर कैन स्पेंड फॉर दिस नॉर्मल शूज इज 352 विद ऑल द वारंटी। इफ एनीथिंग हैपेंस टू द शू तो हम ये शूज वापस लेते हैं कंज्यूमर से और हम उसको रिप्लेस करके देते हैं या फिर उसके पूरे पैसे उसको वापस करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा मल्टीपर्पज फुटवेयर अपने फुट रैक में चाहते हैं तो ज्यादा सोचिए मत, निकल पड़िए शॉपिंग पर और वार्डरोब में अपने फुटवेयर कॉलम को रिफ्रेश कर लीजिए। स्नेहा शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रेंज पर आपने नजर डाल ली, अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस कलेक्शन में और क्यों है ये लेडी ब्रिगेड की फर्स्ट चॉइस। विंटर्स में सबसे कंफर्टेबल रेंज की बात की जाए तो बूट्स एंड स्पोर्ट शूज यस, लेकिन बिना शू लेस के आराम से इजी स्लिप इन अगर शूज की बात की जाए तो हमेशा हमारे जहन में आते हैं लोफर्स, वो भी कैनवस फैब्रिक के कैनवस शूज जो बचपन में पहना करते थे, लेकिन आजकल ये काफी ट्रेंड में है क्योंकि इनका कलर पैटर्न काफी वाइब्रेंट हो चुका है, काफी नया है। चलिए कैनवस शूज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मेरे साथ हैं आशीष जी जो है बीनस से, इसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैनवस शूज कितने रॉकिंग है आज की डेट में। वेलकम टू आवर शो आशीष। थैंक यू वेरी मच मैम। कैनवस शूज, क्योंकि बहुत जमाने पहले मुझे याद था कि अपने पीटी शूज पहनते थे वेंसडे या फिर एक दिन जब व्हाइट कलर के पहनते थे, लेकिन आज आपका कलेक्शन देख के लग रहा है कि कैनवस शूज के साथ काफी कुछ प्ले किया जा चुका है। नहीं, हम आज भी पीटी शूज बना रहे हैं और ये बहुत डिमांड में है। राइट, सच। और स्कूल में अभी भी ये शूज बहुत कॉमन है, बहुत चलते हैं, लेकिन क्या है जब आप स्कूल क्रॉस कर देते हैं उसके बाद में नॉर्मल जीन्स के साथ या फिर नॉर्मल उसमें आप नॉर्मली पहन नहीं सकते वो शूज, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि अब क्या टेनिस पहनेंगे या जीन्स के नीचे बहुत अजीब लगेगा, तो उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इस टाइप के कैनवस शूज बनाते हैं कि थोड़ा ट्रेंड में हो जाए, थोड़ा सा इस चीज को आप जीन्स के साथ ही पहन सकते हैं, किसी फंक्शन में फंक्शन के लायक पहन सकते हैं, इवन अगर थोड़ा सा रनिंग के लिए चले गए तो भी ये हर्ट नहीं करेगा आपको। हर्ट नहीं करेगा, ये रबर से बनता है जो नेचुरल प्रोडक्ट है बहुत, और इससे काफी कंफर्टेबल भी रहता है। राइट, इसके साथ बेस्ट पार्ट इज दिस कि बस अपने पांव को स्लिप कीजिए, यू आर रेडी टू गो, शूलेस बांधने की भी टेंशन नहीं है, तो मुझे लगता है लेजी लोगों के लिए पैराडाइज है ऐसे कैनवस शूज। तो मुझे बताइए बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं, लड़कियों के लिए भी या लड़कों के लिए बहुत? नहीं, वी इवन हैव फॉर गर्ल्स आल्सो, ये है गर्ल्स के लिए जैसे पर्टिकुलरली कि जो गर्ल्स पहनना चाहें इनको नॉर्मली नॉर्मल वे में, और ये वैसे
वो था, गर्ल्स भी और बॉयज दोनों पहन सकते हैं, यूनिसेक्सल वो है रेंज कम्प्लीटली। इसके अलावा मुझे लड़कियों के लिए वो बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आ रहा है जो कि बहुत पॉपुलर भी है, विंटर्स के लिए देखा जाए तो लेडीज बहुत अच्छा पहनना, खासकर साड़ी के साथ, सूट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनना ऑकवर्ड हो जाता है, तो मुझे लगता है ये उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव है क्योंकि इसकी सोल तो काफी स्पोर्टी है। बिल्कुल मैम, ये थोड़ा सा रीजनेबल है ये वाला प्रोडक्ट, इसलिए ये रूरल सेक्टर्स में ज्यादा चलता है, अर्बन सेक्टर्स के हिसाब से तो अपने देखा इस टाइप के शूज जो चल रहे थे ये। लेकिन इट्स नॉट दैट बैड, आपने बहुत सारा कुछ इसके साथ प्ले किया है, डिजाइन के साथ आपने स्टाइलिश लुक तो दिया है, कोई भी पहन सकता है। नहीं फिर भी ये रीजनेबल है काफी ज्यादा और प्रोडक्ट से जो कि क्योंकि इसमें जो सोल लगा हुआ है नीचे ये भी बहुत डिफरेंट सोल है तो ये बेसिकली हमारी जो गांव की औरतें होती हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती है इस टाइप के शूज। और अगर थोड़ा आगे चले ऊपर इस तरफ तो ये जो है ये ट्रेंड्स, ये बेसिक सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए ये बेसिक चीज़ है जो चलती है, दिस इज स्ट्रेचेबल लाइक्रा, दिस इज इम्पोर्टेड वन, तो ये बेसिकली हाँ जी तो ये सिटी बेस्ड अर्बन सेक्टर का मटेरियल है जो काफी डिजाइन्स है आपके पास, कलर कॉम्बिनेशन इसके, तो ये पैटर्न आप लोग क्या सोच के बनाते हैं, ध्यान में क्या रखते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर इटसेल्फ की जो प्रॉपर कंज्यूमर को पसंद आए और उसकी रेट्स उसको मिले जो वो प्रॉपर पेमेंट कर रहा है अफोर्डेबल रेट। See, we have received the national award for the best quality from Mr. Manmohan Singh itself. Okay, nice, nice. Congratulations for that. Yeah. And अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ है और हमारे पास कैनवस से लगाए अगर मैं वैरायटी की बात करूँ। वैरायटी में आजकल अभी फिलहाल कैनवस हो गया, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं मैम, दिस इज कैनवस, दिस इज पीवीसी इंजेक्शन, दिस इज बेसिकली पीयू व्हिच वी कॉल दिस, ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि ये रबर सोल है तो दिस इज नेचुरल प्रोडक्ट, वैसे ये पीयू है, ये क्रिस्टलाइज सिंथेटिक है बेसिकली, तो ऐसे अपन देखें तो कंप्लीट रेंज है जो कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जाती है हर एंड कंज्यूमर के लिए। ओके, इनकी रख रखाव के लिए जैसे कैनवस शूज के तो वैसे ही हैं, इन्हें अभी भी वॉश किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है? बिल्कुल, अभी भी इनको वॉश किया जा सकता है कंप्लीटली, इट विल टेक टाइम टू ड्राई, लेकिन वॉश करके इसमें जो थोड़ी बहुत गंदगी जो लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, तो वो बहुत इजीली साफ हो जाती है, जैसे अपन पहले क्लीन किया करते थे पीटी शूज स्कूल टाइम के अंदर। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपने महंगे शूज को साफ करने के लिए बहुत महंगा पॉलिश ले आते हैं, उसे साफ करने के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टाइलिश शूज मिल रहे हैं वो भी, जिन्हें क्लीन करने के लिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पानी यूटिलाइज होता है जो कि बहुत इजी टास्क है। थैंक यू सो मच आशीष सारी डिटेल्स के लिए जो पीटी शूज की आपने हमें दी। थैंक यू वेरी मच। कैनवस शूज अगेन आर इन, तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि किस तरह के कैनवस शूज को आपको अपने वार्डरोब में ले आना है ताकि मैक्सिमम टाइम जब भी लेजी फील करो, बिना स्ट्रैप्स बांधे, बिना शू लेस के इन्हें पहनो और बाहर जाओ, तो ये वो सारी वेरायटी है, ये वो सारी रेंज है लोफर्स के, कैनवस शूज के, जो आपकी मदद करने वाले हैं। लाइफस्टाइल में आज बस इतना ही, आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़, नमस्कार।